अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग भी शाम का होने वाला है। आज हम एक खाने पे जा रहे हैं। आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। हम आज दो जगह इनवाइटेड हैं। एक तो हम जा रहे हैं, मेरे ख्याल खान साहब कहाँ जा रहे हैं, कम शेरिडन में जा रहे हैं, और दूसरा हाँ विक्टोरिया मॉल। दो जगह पे हमें इन्विटेशन है। अब हमने देखना ये कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं, हमें भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। और जहाँ जा रहे हैं आपके साथ बने रहेंगे और मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। बस हम निकल पड़े हैं। यहाँ के बारिश का तो आपको पता ही है, ये कोई मैनचेस्टर थोड़ी है, ये तो रेनचेस्टर है। और बस हम निकल पड़े हैं। और आज हमारे मेरा ख्याल है दो खाने हैं, और हमने एक जगह एक्सक्यूज की है, लेकिन हो सकता है कि हम दूसरी जगह भी चले जाएँ। कोई पता नहीं हमारा। और ये जो आगे हमारी गाड़ी लगी हुई है, ये मेरा ख्याल है 5 की स्पीड पे चल रही है, और जो कि हमें चलने ही नहीं दे रही। और कोई बड़ा डर डर के, जैसे न्यू ड्राइवर है वो चला रहा है मैप, और ये इतनी स्लो चल रही है कि 5 की स्पीड है और हम इसको ओवरटेक भी नहीं कर सकते। और बस हम स्लो स्पीड से, अब हम बस थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए हैं। क्योंकि इधर ही पता है, घर के काम, बाहर के काम, वो कहते हैं ना, यहाँ के काम, वहाँ के काम, घर के काम, बाहर के काम, काम ही काम, काम ही काम। तो वो कर करके हम बड़े एग्जॉस्टेड हुए हुए थे। और आज मैं और खान साहब जा रहे हैं, बच्चों ने कहा हम बड़े सिक एंड टायर्ड हैं ये खाने खा खा के, तो आप लोग ना जाना चाहें, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे। तो बस ये कि ये मेरी लिपस्टिक जो है ना, ये हमेशा ख़राब हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो रोज़मर्रा का काम है। और हम शेरिडन में जा रहे हैं। मैंने कहा आपको अपना ड्रेस दिखाऊं, बड़ा प्यारा मैंने ड्रेस पहना हुआ है, और कलर बड़ा प्यारा है, और इस मौसम में कलर बहुत उठ रहा है। ये देखिए जी, अभी हम शेरिडन जा रहे हैं, और पीछे एज़ यूजुअल खान साहब आ रहे हैं मेरे। और अभी पता नहीं जगह मिलती है नहीं मिलती, ये तो पता लगेगा अंदर जाके, अंदर जाके आपको दिखाते हैं। ये खान साहब जा रहे हैं और ये मैं अंदर जा रही हूँ। अभी इफ्तारी होने वाली है इसलिए हम भाग रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। हाँ जी, उन्होंने एक्सीलेटर बंद की हुई है। अभी ऊपर जा रहे हैं। ये मैंने ट्री दिखाना था, पहले भी दिखाया हुआ है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है, बहुत खूबसूरत है, बहुत रियली फेमस, माशाल्लाह जबरदस्त। नहीं फिर देर में But it just went bigger and bigger, and it was beautiful when Dr. Malik himself actually wanted to come on board. Well, we asked him and he came on board as well. I'm going to talk about Dr. Malik. I want to invite him on stage as well. I want to invite Abu Bakr for about 5 to 10 minutes, and then we'll be going to talk about what's been happening in detail after iftar. Their work was so amazing, and this is when I said they were, I'm talking about Baxia, Abu Bakr, who is a one-man band, and now he gave a dunya ona nu labdi jere hodi nu labdi re. So alhamdulillah, this why I say thank you for all of you guys standing up, especially from me and my dear uncle Dr. Malik. This event was arranged in 4 days. In 4 days, mashallah, we had 100 people from my side, 100 people from his side. We put our message and we are here with alhamdulillah over 700 people. But why we are here today, inshallah, after iftar, I will invite some people on here that actually do more work than me, that actually are more worthy than me. And good to share with you the feedback of our hospitals and openings that we opening. And स्टार्टर खा लिया, और स्टार्टर की मैं पिक्चर इसलिए नहीं दिखा सकी, पूरी टेबल फुल थी, अच्छा ना लगता कि सबकी प्लेटें बीच में आती। तो स्टार्टर में मैं आपको बताती हूँ क्या क्या था। इसमें फिश थी, और रोस्टेड पोटैटो थे, जैसे साबुत जिसको आलू कहते हैं, कई लोगों को नहीं भी पता होता, कई लोगों को पता होता रोस्टेड पोटैटो का। और रोस्टेड पोटैटो थे, फिश थी, चिकन था, सैलड थी, और मिक्स चने की सैलड थी, साथ सॉसेस थी, चटनियाँ और कोक्स वगैरह। अब मेन कोर्स, मेन मेन्यू आएगा, मेन कोर्स जो होगा वो मेन्यू आएगा, तो देखो वो खाएंगे। और बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, पीछे
अच्छा ये देखें नमाज हो रही है, बंदे नमाज पढ़ने गए हैं तो लेडीज बेहतर बैठी हैं क्योंकि लेडीज़ के लिए भी कोई जगह नहीं बनी नमाज की, वरना हम भी नमाज़ पढ़ लेते हैं लेकिन अभी नहीं पढ़ सकते। और फिर मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगी, बड़ा मज़ा आ रहा है। बच्चे नहीं हैं लेकिन मैं बच्चों के बगैर कम ही इंसान इंजॉय करता, लेकिन फिर भी हस्बैंड वाइफ का एक इन्विटेशन है तो उस सेंस से फिर आना भी ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह फिर थोड़ी देर में which is a very famous nasheed, very famous naat as Saba Mustafa, and it is Usman Firki. Alacha, can I ask Usman Firki please come on stage? A round of applause for Usman Firki. Usman, sorry. Durood ki baatein marhaba चांद जिनकी बलाएं लेता है और सितारे सलाम कहते हैं, ऐसा बा मुस्तफा से कह देना हम के मारे सलाम कहते हैं। Where an Indian origin Prime Minister can play his politics, and they should be careful when they are passing these kind of remarks. They are very counterproductive. And Maqbool Malik has yesterday written a letter as well to Prime Minister complaining on behalf of the lawyers. This petition is also very good. Pakistan और बाज सजल लज पाल शेरिडन में है और मैंने कहा थोड़ा सा दिखाओ, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। बस जा रहे हैं और बस बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत मज़ा आया और हमने बड़ा इन्जॉय किया, बहुत अच्छा खाना था, डिलीशियस फूड और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी और बहुत मज़ा आया, बड़े अच्छे कॉज के लिए था और बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया। और अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे और उनके लिए बेहतरी करे, आमीन। रमज़ान है और सबके लिए दुआगो हैं। और मैं आज के व्लॉग का इख्तिताम करते हैं, इंशाल्लाह एक नए दिन के साथ एक नया व्लॉग बनाएंगे और एक नए दिन का आगाज़ करेंगे और एक नई नई रूटीन आपको दिखाएंगे। अगर किसी को मेरा चैनल पसंद आ रहा है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर कोई गलती है तो माजरत, और अगर कोई बात करनी है मेरे से तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। अगर कोई बात है तो वो फिर सारी बात है, मैं नई नई व्लॉगर हूँ तो कोई गलती हो ही सकती है। तो अब हम घर पहुँच गए हैं तो फिर इंशाल्लाह मैं आज के व्लॉग का इख्तिताम करती हूँ। खान साहब और मैं घर आ गए हैं, रात काफ़ी हो गई है, तो बस इंशाल्लाह अब हम आपको कल मिलेंगे। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।